ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपते नमः ओम नमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वर्ये नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। बात करते हैं राशिफल और मंगलवार 4 अप्रैल 2023 त्रयोदशी चैत्र शुक्ल पक्ष और आज का सूर्य उदय को अगर देखते हैं तो सूर्य उदय आज का टाइमिंग 6:08 AM और सूर्यास्त 6:40 PM। आज का चंद्रमा जो रहेंगे सिंह राशि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और 9:37 AM के बाद उत्तरा फाल्गुनी पे गोचर करेंगे। तो पूर्वा फाल्गुनी का नक्षत्र आज टारगेट है सिंह राशि का। आज अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से लेके 12:49 PM तक और राहु काल 3:32 PM से 5:06 PM तक दिशाशूल उत्तर दिशा रहेगा। उसके बाद आज जो मंगलवार 4 तारीख राशि भाव जो आज का चंद्रबल मिथुन सिंह तुला वृश्चिक कुंभ और मीन ये राशि बली रहेंगे। एनर्जी इसमें नैसर्गिक रूप में अच्छा रहेगा और आज का नक्षत्र जो पावरफुल नक्षत्र है आज का ताराबल वो है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी आद्रा पुष्या मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्ता स्वाति अनुराधा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवणा शतभिषा और उत्तर भाद्रपद ये नक्षत्र बलि रहेंगे। टारगेट नक्षत्र पंचम नैसर्गिक रूप में यहां पर शनि और राहु का दृष्टि लेकिन नक्षत्र अच्छा होने के कारण और साथ में यहां पंचम स्थान मेष राशि के लिए बहुत ज्यादा गुड होगा ऐसा नहीं है लेकिन यहां बल होने के कारण ये आज आपका लिए गिनती करें तो 49% का ऊर्जा मिल रहा है कार्मिक ऊर्जा और लेकिन बुड़बकी और बुद्धूपना भी हो सकता है उतना ज्यादा सपोर्टिव ऊर्जा यहां नहीं दिख रहा है। बात करते हैं आपका धन का स्थिति ये ओनली 25-36% तक कवर अप हो रहा है। वृष राशि का बात करते हैं चतुर्थ चंद्रमा थोड़ा सा भय और सडन कुछ प्रकार का इंसिडेंट का भय और धन का बात करते हैं तो ये मात्र 60-70% तक जा रहा है। कार्मिक ऊर्जा अच्छा रहेगा। बात करता हूं मिथुन के लिए तो तृतीय चंद्रमा बड़ा पॉजिटिव ऊर्जा देने वाला है अगर आपने मंगल को कंट्रोल कर लिया तो और 70-80% का कार्मिक ऊर्जा पॉजिटिव रहेगा। धन का स्थिति 72%। बात करता हूं आपके सिंह राशि लग्न के ऊपर चंद्रमा अच्छा कंडीशन रहेगा बहुत अच्छा रहेगा सॉलिड रहेगा। कार्मिक ऊर्जा 80 तक जा सकता है। धन प्राप्ति योग 62 तक जा सकता है और मतलब पॉजिटिव ऊर्जा है प्लस है अच्छा है। कन्या के लिए द्वादश चंद्रमा नॉट गुड 25% आर्थिक स्थिति 36% और कार्मिक रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं रहेगा कहीं ना कहीं लॉस और यात्रा अगर कर रहे हो तो थोड़ा सावधान मेंटेन करें राशि के लेवल से मेंटली कहीं ना कहीं से अवसाद टाइप ना चाहते हुए खर्चा का वृद्धि रहेगा। और तुला के लिए ये 50% गुड है 50% बैड है लेकिन नैसर्गिक रूप में दिन मान शाम तक आपके लिए पॉजिटिव शाम का टाइम थोड़ा सा कहीं ना कहीं से नेगेटिव टाइम जोन बिल्डअप हो सकता है। आर्थिक स्थिति
और कार्मिक स्थिति रहेगा 80% तक, आर्थिक स्थिति का पावर रहेगा नियर अबाउट 53 से लेके 60 to 70%। वृश्चिक का बात करते हैं तो ये दशम चंद्रमा पे आएगा, एकादश चंद्रमा दशम दशम एकादश में आने वाला है। हर दिशा से प्लस प्लस 89% तक का कार्मिक ऊर्जा। आर्थिक स्थिति का बात करते हैं तो बावेश का दुर्बलता के कारण 23-24 तो बहुत हो गया। धनु के लिए बात करते हैं, लग्निक ऊर्जा थोड़ा सा कमी दिख रहा है, लेकिन ये दशम नवम दशम का एनर्जी रहेगा, लो प्रोफाइल एनर्जी, अनसपोर्टिव भी रहेगा, सेकेंड हाफ में ग्रोन अप कर जाएगा। सफलता सेकेंड हाफ डे टाइम 25 भी मिल गया बहुत है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो आप देखना कि ऊर्जाओं में वृद्धि है, पावर है, सपोर्टिव एनर्जी है। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं से उतना ज्यादा नॉट गुड है, क्योंकि आर्थिक स्थिति का ही चंद्राष्टम बन रहा है। मकरू के लिए बात करते हैं, अष्टम अष्टम नवम चंद्रमा माइनस माइनस ही करो, 23-26 उससे ज्यादा नहीं। आर्थिक स्थिति ग्रोन अप कर जाएगा, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। और बात करते हैं सिंह के लिए, तो ये एनर्जी, मजा, मस्ती, क्रिएटिव, फ्री टाइम, धन का स्थिति नॉट गुड, बोलना ही बेकार है। मीन वालों के लिए ये नैसर्गिक रूप में 70 तक जा सकता है, 72% का एनर्जी है। आर्थिक स्थिति सडन है, कभी 80 जाएगा कभी 20 जाएगा, फ्लक्चुएट कंडीशन पे आने वाला है। टारगेट नक्षत्र आज का, तो ये जो नक्षत्र है आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को अगर हम लोग आज टारगेट करते हैं तो सबसे पहले केतु का तीन नक्षत्र वाले अश्विनी नक्षत्र मेष राशि, मघा नक्षत्र सिंह राशि, मूल नक्षत्र धनु राशि, तो आपके लिए आज संपद तारा में रहेगा, अच्छा है, लेकिन एनर्जी चेंज होने लगेगा, फिर विपद नक्षत्र में भी आएगा, संपद विपद में जाएगा, उसके लिए भी सावधान रहना चाहिए। शुक्र का तीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र मेष राशि, पूर्वा फाल्गुनी सिंह राशि, पूर्वा साढ़ा धनु राशि, 70% गुड है, 30% नॉट गुड है। सूर्य का तीन नक्षत्र वालों के लिए बात करते हैं, कृतिका नक्षत्र मेष और वृष, उत्तरा फाल्गुनी सिंह कन्या, उत्तरा साढ़ा धनु और मकर, ये अतिमित्र जोन पे जाएगा, टॉप गुड बेटर। चंद्रमा का तीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र वृष राशि, हस्ता नक्षत्र कन्या राशि, श्रवणा नक्षत्र मकर राशि, मित्र जोन पे रहेगा, सॉलिड गुड बेटर बेस्ट। मित्र अतिमित्र बाधक जोन पे रहेगा। ये मंगल का तीन नक्षत्र मृगशिरा वृष वृष और मिथुन, चित्रा का कन्या तुला, धनिष्ठा का मकरू और कुंभ। उसके बाद राहु का तीन नक्षत्र आद्रा मिथुन राशि, स्वाति तुला राशि, शतभिषा कुंभ राशि, तो ये बद के बाद साधक जोन पे रहेगा, गुड बेटर बेस्ट। फिर बात करते हैं गुरु का तीन नक्षत्र पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन, तो आपके लिए ये प्रत्यारी पे रहेगा, 50-50 तक दे सकता है। फिर शनि का तीन नक्षत्र पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक सद उत्तर भाद्रपद मीन, तो ये क्षमा तारा पे रहेगा, गो गो गो, अच्छा है, गुड। बुध का तीन नक्षत्र अश्लेषा कर्क और ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन, ये विपद जोन पे रहेगा, इतना ज्यादा सपोर्टिव एनर्जी नहीं रहेगा। तो ये था राशिफल, नक्षत्रफल, भाववल, नक्षत्रबल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।